नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के साथ ही जबलपुर में चीन के वुहान शहर में पढ़ने वाला छात्र जबलपुर आया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है तथा आइसोलेशन वार्ड में युवक को भर्ती कराकर जांच कराई जाएगी और उसके बाद तय किया जाएगा कहीं युवक कोरोना वायरस से ग्रसित तो नहीं है। आपको बता दें, चीन का वुहान ही वो शहर है जहां पर कोरोना वायरस के सबसे पहले मरीज पाए गए थे। सूत्रों के मुताबिक सिविल लाइन निवासी युवक चीन में रहकर पढ़ाई करता है। वुहान से आए युवक की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। चिकित्सकों की एक टीम ने युवक के स्वास्थ्य की जांच की। ऐतिहासिक युवक को N19 मास्क पहनाया गया। युवक के संदर्भ में जानकारी ली जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम शनिवार को युवक के स्वाब का नमूना लेकर जाँच कराएगा और यदि युवक कोरोना वायरस से संक्रमित पाया जाता है तो उसका उचित उपचार किया जाएगा। आपको बता दें कि चीन से निकलकर कोरोना वायरस दुनिया के कई हिस्सों में फैल गया है और भोपाल में एक मरीज के कोरोना संदिग्ध मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण को लेकर एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। चीन से युवक के शहर पहुंचने की सूचना के बाद विक्टोरिया जिला अस्पताल में कोरोना वायरस को लेकर आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। इसमें समुचित व्यवस्थाओं के साथ ही डॉक्टर और नर्सेस की अलग से तैनाती की गई है। चिकित्सकों को जांच के दौरान श्वसन संक्रमण और इन्फ्लुएंजा के मरीजों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। संदिग्ध मरीजों की तत्काल सूचना देने को कहा गया है और कोरोना वायरस संक्रमण के संभावित खतरे के बीच उसके बचाव के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय की ओर से 5,800 N19 मास्क मंगाए गए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने में मददगार माने जाने वाले इस मास्क को OPD और आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को गंभीर श्वसन संक्रमण से पीड़ित भर्ती मरीजों जिन्हें खांसी और बुखार की तकलीफ रही है और रोग का कारण स्पष्ट ना रहा हो की निगरानी बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष कुमार मिश्रा के अनुसार चीन में एक युवक शहर आया है। प्रारंभिक जांच में उसमें कोरोना के संबंधित कोई संदिग्ध लक्षण नहीं मिले हैं। एहतियातन उसके नमूने की जांच कराने का निर्णय लिया गया है। कोरोना वायरस आमतौर पर श्वसन तंत्र की बीमारी के साथ या एक आम सर्दी खांसी के समान होता है। इसके प्रारंभिक लक्षणों में नाक बहना, खांसी, गले में खराश, कभी कभी सिर दर्द और बुखार शामिल है जो कुछ दिनों तक रह सकता है। कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों के लिए यह संक्रमण खतरनाक है और पीड़ित के खांसने छींकने से यह संक्रमण फैलता है। अतः व्यक्ति को छींकते खांसते समय अपने मुंह पर कपड़ा या फिर मास्क रखना जरूरी होता है। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।